हर स्टूडेंट वेलकम बैक टू बिजनेस स्टडीज क्लास। गाइस इन लास्ट क्लास वी कंप्लीटेड लीडरशिप इंट्रोडक्शन एंड लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स। बच्चों जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी बिजनेस स्टडीज की, उसमें हमने हमारा चैप्टर नंबर फाइव शुरू किया था और चैप्टर नंबर फाइव के अंदर हमने लीडरशिप का जो इंट्रोडक्शन था, लीडरशिप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। यानी हमारा 50% जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका था। आज के मॉड्यूल में, आज की क्लास में हम लीडरशिप वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है क्वालिटीज ऑफ लीडर। यानी अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीडर बन रहे हो या फिर आप वैसे भी कोई लीडर बन रहे हो, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। तो आज हम क्वालिटीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। क्वालिटीज को शुरू करने से पहले एक बात बताता हूँ, आपकी बुक में आपको क्वालिटीज दो तरीके से दी हुई है। एक दी हुई है क्वालिटीज ऑफ लीडर अकॉर्डिंग टू द ऑथर फिलोसोफर साइंटिस्ट। अलग अलग लोगों ने अपने अपने ओपिनियंस के हिसाब से आपको क्वालिटीज दी हैं, तो उनके नेम आपके पास लिखे हुए हैं। और आपको लास्ट के अंदर कुछ जनरल क्वालिटीज दे रखी है जो इनके कॉन्क्लूजन के बेस पे, यानी जितने ऑथर्स ने, हेनरी फ्योल ने, ऑडवरी टीड ने, सीएल उर्विक ने, जिन्होंने भी आपके जो आपकी क्वालिटीज दी है लीडरशिप के लिए, उनके बेसिस पे कॉमन क्वालिटीज तैयार की गई है 13, वो भी मैंने आपके सामने लिखी। तो एक्चुअल में मैं आज आपको ये 13 क्वालिटीज समझाने वाला हूँ जो जनरल क्वालिटीज हैं। आपको ये वाली क्वालिटीज अपने आप समझ आ जाएंगी, बस आपको ये याद रखना है कि हेनरी फ्योल ने कौन कौन सी क्वालिटी दी थी, पीटर एफ डकर ने कौन कौन सी क्वालिटी दी थी, ऑडवरी टीड ने कौन कौन सी क्वालिटी दी थी, आपको कुछ इस तरीके से याद रखना है। तो आज मैं आपके लिए जनरल क्वालिटीज को समझाना शुरू करता हूँ, तो आप सभी की ये अपने आप क्वालिटीज क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए क्लास को अब शुरू करते हैं। देखिए, एक लीडर बनने के लिए सबसे पहले जो क्वालिटी की जरूरत है वो है साउंड हेल्थ। हेल्थ का मतलब बात हो रही है हेल्थ, हमारी जो हेल्थ है, जो हमारी फिजिक्स है, उसकी बात हो रही है। आप ऐसा समझ लीजिए, एक्चुअल में साउंड हेल्थ होनी चाहिए। अगर लीडर आपको बनना है तो आपकी जो हेल्थ है वो एकदम अच्छी होनी चाहिए, एक साउंड हेल्थ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कहा गया है कि साउंड माइंड, स्वस्थ मस्तिष्क जो है, स्वस्थ शरीर के अंदर ही निवास करता है। कहने का मतलब है, अगर साउंड माइंड जो होता है वो कहाँ होता है? एक साउंड हेल्थ वाले व्यक्ति के अंदर ही होता है। अगर यार एक चीज बताओ, आप लीडर हो, आपको कोई टास्क दिया है काम करने के लिए और आपकी तबीयत खराब हो रही है, आप उस टास्क को नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आ रही है, वीकनेस है, ये है वो है, आप सोच नहीं पा रहे हो मुझे क्या करना है, आप टायर्डनेस हो, तो वो लीडरशिप नहीं होगी। भैया लीडर बनना है तो साउंड हेल्थ होनी चाहिए, कोई भी काम दिया जाए हमेशा फिजिकली फिट रहना है और उस टास्क को आपको क्या करना है, पूरा करना है। तो लीडर बनने के लिए सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए एक बंदे में, वो है साउंड हेल्थ एंड स्टेमिना। सेकंड वन है शार्प इंटेलिजेंस। देखिए, अनसाउंड माइंड पर्सन तो कभी भी लीडर नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है। तो भैया अगर आप लीडर बन रहे हो तो इंटेलिजेंट नहीं, शार्प इंटेलिजेंस होना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए आपके डिसीजन से किसको क्या फायदा होगा, किसको क्या नुकसान होगा। आपको ये पता होना चाहिए ये सिचुएशन मेरे सामने आ गई है, इसको मुझे कैसे फेस करना है, मैं कैसे इसे सॉल्व करूंगा, कहाँ से ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा, कहाँ से नहीं होगा। इसका मतलब आपको शार्प इंटेलिजेंस होना पड़ेगा लीडरशिप बनने के लिए, क्लियर है। थर्ड वन है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। या लीडर का खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसके जो फॉलोवर्स है ना, वो उसको देख के कॉन्फिडेंट होते हैं। अगर लीडर खुद सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है, खुद के ऊपर उसको विश्वास नहीं कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ, अगर बंदा कह रहा है हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ, हम सब मिलके ये चीज कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है उसके जो टीम के लोग हैं, जो उसके नीचे काम कर रहे हैं, जो उससे इन्फ्लुएंस है, इंस्पायर है, वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस हो जाएंगे और सब मिलकर उस गोल को अचीव कर लेंगे। तो लीडर के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। भैया साउंड हेल्थ चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए बंदे के अंदर, क्लियर है। टॉलरेंस एंड पेशेंस। एक्चुअल में क्या हुआ, कुछ लीडर के अंदर टॉलरेंस नहीं होता, पेशेंस नहीं होता। कोई चीज गलत हुई, अरे बंद कर यार नहीं करना, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, पेशेंस नहीं है, कुछ सुन नहीं रहे हो आप किसी की बात, ये चीजें नहीं चलेंगी। अगर आपको लीडर बनना है तो आपके अंदर टॉलरेंस पावर होनी चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आप सबको सुनो, समझो, कोई सिचुएशन आई है तो उसको धैर्य के साथ आप सॉल्व करो, ये जरूरी है। साउंड कैरेक्टर। देखिए, मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था एग्जेम्पलरी कंडक्ट के अंदर कि भैया साउंड कैरेक्टर, एक लीडर का कैरेक्टर एकदम क्लियर होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे देख के बहुत से लोग इंस्पायर हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं और उसकी तरह गोल अचीव करना चाहते हैं। तो एक लीडर के लिए साउंड कैरेक्टर वाला होना जरूरी है। ह्यूमन रिलेशन एक लीडर के लिए बहुत जरूरी है। जब तक आप इंटरपर्सनल रिलेशन, हमने कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था, जब तक आप
अपने सबऑर्डिनेट से, अपने सीनियर से किससे भी रिलेशन मेंटेन नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो लीडर के लिए एक ऐसा होना चाहिए कि जो ह्यूमन रिलेशंस को बिल्डअप कर सके। आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि आप लोगों से जुड़ सको, लोगों से रिलेशन मेंटेन कर सको। क्लियर है? इंटेलिजेंट बनो, हेल्थ अच्छी रखो, कॉन्फिडेंस रहो, पेशेंस लाओ अपने अंदर, अपनी छवि सुधारो, साउंड कैरेक्टर रहो हमेशा, और लोगों से रिलेशन बनाने वाले बनो, लोगों से जुड़ने वाले बनो। क्लियर है? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यार जिम्मेदारी लेने वाले बनो। ऐसा नहीं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और आप उससे इधर उधर दूर भग रहे हो कि नहीं मैं नहीं लूंगा, मैं काम नहीं करूंगा, ये सब। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आप लीडर हो यार, आप मैनेजर हो, तो आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि हाँ मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, हाँ ये जिम्मेदारी अगर मुझे मिली है तो इसके लिए मैं ही अकाउंटेबल हूँ। अकाउंटेबल से मतलब है मैं ही इसका जवाब दूंगा। टीम स्प्रिट वाली बात होनी चाहिए लीडर के अंदर हमेशा। मैंने आपको हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स में बताया था, वी, अगर कोई चीज़ अच्छी हुई है तो हम सब ने की है, बुरी हुई है तो हम सबसे हुई है। ऐसा नहीं तुमने की है मैंने की, ये नहीं करना। टीम स्प्रिट हमेशा क्या रखना है, लोगों के बीच में, अपने एम्प्लॉयज के बीच में और सबके बीच में खुद की एक टीम बना के रखनी है। क्लियर है? लीडर का सोशल होना जरूरी है। देखो लीडर अगर सोशल नहीं होगा, सामाजिक नहीं होगा, जरा सा भी लोगों से नहीं जुड़ेगा, बातचीत नहीं करेगा, तो कुछ भी काम यहाँ पे नहीं होगा। कैपेसिटी टू टेक डिसीजन बहुत अच्छा पॉइंट है। एक लीडर के अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए कि उसे किस सिचुएशन पे उसको कैसे इवेल्युएट करना है, उसके बाद उस पर क्या डिसीजन लेना है। देखो डिसीजन लेने के में कब जरूरत पड़ती है, जब हमारे पास कोई सिचुएशन होती है या फिर हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं तो हमें एक बेस्ट डिसीजन लेना होता है, तो उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए हर एक बात को जाने, समझे, इवेल्युएट करे और उसके बाद वो डिसीजन ले। क्लियर है? लीडरशिप के अंदर टीचिंग और टेक्निकल एबिलिटीज भी होनी चाहिए। टीचिंग क्यों? अरे आप लीडर हो, अपने से सबऑर्डिनेट्स को कुछ सिखाओगे, ये करोगे, वो करोगे, तो टीचिंग होनी चाहिए। और टेक्निकल एबिलिटी क्यों? फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन चल रही है, प्रोडक्शन के दौरान कोई मशीनरी खराब हो गई, माइनर फॉल्ट है, अब माइनर फॉल्ट की वजह से पूरी मशीनरी रुक गई। क्लियर है? अब आप किसी को बुलाओगे कंपनी से, जिस कंपनी की मशीनरी है वो उस कंपनी को सही करेगा, फिर काम होगा। अगर मैनेजर को थोड़ी बहुत भी टेक्निकल नॉलेज है तो कहीं ना कहीं वो भी उस इश्यू को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। क्लियर है? मोटिवेटिंग एबिलिटी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक लीडर के अंदर मोटिवेटिंग एबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए उसको कि वो लोगों को, अपने से नीचे वालों को मोटिवेट करे ताकि वो उनकी वर्किंग परफॉर्मेंस सुधर सके। और लास्ट पॉइंट जो है क्वालिटी का वो है फॉरसाइटनेस। कहने का मतलब है दूरदर्शी, फ्यूचर विजन, भविष्य की सोचने वाला, ऐसा होना चाहिए जो भविष्य को सोच के डिसीजन ले, भविष्य की सोच के हिसाब से काम करे, उसको ये पता हो कि फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, हर एक चीज़ को सोच के वो चलने वाला पर्सन होना चाहिए। तो आज के मॉड्यूल में लीडरशिप की क्वालिटी डिस्कस हुई है। अभी जो क्वालिटीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑथर है ना, वो सब इनसे निकल के, उनसे निकल के सब आई हैं, तो ये सब वहीं पर इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, कोई इशू नहीं। फिर भी अगर कोई आपको लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। जनरल क्वालिटीज ऑफ लीडर जो हमने डिस्कस की थी, साउंड हेल्थ बता दिया, स्वस्थ अच्छा होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए बंदा, पेशेंस पावर होनी चाहिए, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, अच्छे रिलेशन बनाने वाला होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला बंदा होना चाहिए, टीम को एक साथ रखे वो बंदा चाहिए, थोड़ा सा सामाजिक होना चाहिए, डिसीजन लेने की उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए, टीचिंग वाला और टेक्निकल नॉलेज वाला बंदा होना चाहिए, मोटिवेटिंग करे सबको, और कहीं ना कहीं दूरदर्शी होना चाहिए, भविष्य की सोचने वाला भी होना चाहिए। क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को लीडरशिप चैप्टर पूरा कंप्लीट समझ आया होगा। तो हमने हमारे बिजनेस स्टडीज में 5 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, मैनेजमेंट से लेके लीडरशिप तक के। मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, हम ये सीख चुके हैं कैसे बिजनेस से गोल अचीव करवाना है, कैसे अपने एम्प्लॉयज से काम करवाना है और कैसे गोल को अचीव करना है, सब कुछ हम जान चुके हैं। क्लियर है? अब हम जानेंगे यार एक प्रोडक्ट को बेचना कैसे। तो हमारी जो नेक्स्ट यूनिट शुरू होने वाली है, यूनिट नंबर 2, जिसमें हम 3 चैप्टर की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 6, 7, 8 जो आपके मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन पे है, वहाँ पर हमें देखेंगे कि एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करती है, कब उसे सेल्स प्रमोशन की जरूरत होती है, कब वो एडवर्टीजमेंट करती है और कब वो मार्केटिंग करती है, वो सब चीज़ें हमें वहाँ पर डिस्कस करनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को 5 चैप्टर तो क्लियर होंगे जो अभी तक हमने पढ़े हैं।